आई थिंक इट कम्स फ्रॉम, जैसे अभी हम फर इज अगली बोल रहे हैं विच इज़ फगली, तो ये हमारे लिए तो परफेक्ट फिट है. प्लस द मोमेंट यू हैव अ प्लेटफॉर्म एंड यू टॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है. आज हम चार अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, मीडिया इज लिसनिंग टू अस, दिस विल गेट टेलीकास्टेड, यू नो इट्स लाइक रीचिंग आउट. द होल एम इज दैट जो हम चाहते हैं अगर मीडिया के थ्रू हम कहीं लेके जा पाएं, वट एवर लिटिल वी कैन डू वी मोर देन गेम फॉर दैट फॉर एवर, कभी भी कुछ भी हो. I think we need to be responsible of where, yeah. if we're given this platform, then I think we need to give back to it as well. Responsibility hame leni chahiye. And if we are able to make an impact on people, then nothing should stop us from doing it. You are having an association with Econ for an initiative as such. Kindly clarify for that. I'd say let's stick to Fugly and Peeta, but I'm just doing a project with Econ that's yet to happen. And you don't need to clarify as of now. I'm doing a project with Econ, that's a done thing. It's a Hollywood film that I'm doing, yeah, for sure. About Lady Gaga also having... that's something I heard from media also. I'll be happy to do a project with her, but that's yet to get confirmed. Okay. आपकी फिल्म रिलीज होने वाली, तो कितना उम्मीद है कि 100 करोड़ क्लब्स में आप? अरे हम तो फिल्म के बारे में सोच रहे हैं. एज न्यू एक्टर्स मुझे नहीं लगता कोई बिजनेस के बारे में सोचता है. एंड यू नो इट्स समथिंग, अगर यू नो पिक्चर अच्छी बनती है और लोगों ने एक्सेप्ट करी तो फिगर भी आ जाएगा उसमें क्या. बट एज ऑफ नाउ वी नो वी मेड अ गुड फिल्म एंड यू नो वी एनलाइटिंग पीपल. हम उसमें एक मैसेज भी दे रहे हैं. वी गॉट अ लॉट ऑफ फन इन गेम्स, कॉमेडी अच्छे, यू नो द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म इज वेरी लाइट एंड देन देर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म. इट्स इज गॉट द थ्रिलर यू नो द जॉनरे ऑल्सो इन द फिल्म. सो I think what we soch rahe hain, I'm not thinking numbers. What we should be, par chalni chahiye obviously, it should now what we should be really looking forward to is relatability. Agar hum charon mein aapko apna koi dost ya apne aap ko aap dekh paye, and you can come, there's a repeat value, you can come and enjoy this, our journey, that's what we are looking for. 100 crore to ho jayega. Is film ke promotional video mein aap do bade logo ke sath dikhe hain, yes, ke bare mein unka aap pe kitna influence hai uske bare mein bataiye. Mere paas main to bachpan se Salman Khan sir, Akshay sir ko dekhte hue aa raha hu, and मैं 90s में बड़ा हूँ और वो 90s के सुपरस्टार थे और आज भी सुपरस्टार हैं. सो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू टू बी वर्किंग विद देम ऑन द सॉन्ग. एंड मुझे याद है मैं जब जिम जाता था तो कुछ 8th-9th क्लास में, तो ओ जाने जाना सलमान का गाना लगा के जाता था, यूज़ टू चार्ज मी अप, और फिर उसके बाद जिम में जाकर मैं वेट उठाता था. तो इट्स डेफिनेटली हैड इफेक्ट ऑन मी इन मोर देन वन वे. एंड I think somewhere, you know, even as actors, as these, you know, big actors, their personality is somewhere influenced me. I've actually worked on a film as an assistant director where Mr. Akshay Kumar was the actor. So I have seen him very closely, and you know how punctual he is, how you know hardworking he is. So all these qualities as an assistant, I think I've somewhere grasped from him, and I'm lucky to be working in his production also. Last, yeah, I think. तो आलिया था. हाँ. सही आपने सुना है. ये जो हमने सुना है, ये आपको नाम सलमान खान ने दिया. जी बिल्कुल. लेकिन ये मैं खुद चाहती थी कि एक अलग आइडेंटिटी में अपने आप को दूं, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, व्हाई कंफ्यूज द ऑडियंस. इट्स जस्ट सिंपलर फॉर द ऑडियंस. सबको लगता है माय प्रोड्यूसर थिंक्स शी हैज कम अप विद इट, माय डायरेक्टर थिंक्स ही हैज कम अप विद दिस नेम, बट एक्चुअली आई हैव ओनली कम अप विद दिस नेम. मुझे जीना है इस नाम के साथ. शी गॉट अ चांस टू चेंज हर नेम एंड शी पिक्ड इट अप. ले लेती हूं. जी फर्स्टली आई थिंक पहली फिल्म में उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना बहुत बड़ी बात है. मैंने तो आई डेंट इवन ड्रीम ऑफ इट, आई डेंट इवन थिंक ऑफ इट. आई रिमेंबर एक हफ्ते पहले बिफोर वी शॉट फॉर द सॉन्ग, अश्विनी टोल्ड अस दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस विद देम, और अक्षय सर वो सेट पे आए. वी ऑल नो हाउ पंक्चुअल ही इज. वो सेट पे आए, 5 मिनट में उन्होंने वो सारे रैप के लिरिक्स लर्न कर दिए. ही डिडंट इवन नीड अ प्लैक कार्ड. He was on first take, he finished the whole thing. Whole take, he had us laughing behind the camera. He, you know, he's very spontaneous. He would add his own comic timing to it. And of course, Salman sir, he comes, wo aise bhi karte hai, toh style ban jate hai. He's just fabulous. And I think thanks to them, the film is now on the map. People know about Fugly. They've welcomed us to the industry. So, basking in the glory of two superstars. मेरा तो सिंपल सा था, जब मुझे पता चला सलमान सर और अक्षय सर ने, तो मैं तो एक चीज़ बोल रहा था, आई वॉन्ट बी नेक्स्ट टू हिम, आई वॉन्ट बी नेक्स्ट टू. आई बीन लाइक सलमान सर इज ह्यूज फॉर मी एंड सो इज अक्षय सर, यू नो. एंड आई गॉट टू स्टैंड नेक्स्ट टू हिम, आई वॉज डंबफाउंडेड. मैं कुछ बात नहीं कर पाया, आई एम वेरी सिंपल ही माउथ की, आई वॉज सो हैप्पी दैट आई एम इन द सेम फ्रेम विद हिम, यू नो. यू कांट गेट लकियर देन दैट. फिल्म इज बिग बिकॉज ऑफ देम, बोथ ऑफ देम. लेकिन सलमान की बात की जाए, उनको कुछ बोलना चाहेंगे?